के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर के लिए सीएम ने वोट मांगे और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोकसभा चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के चलते सीएम ने चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर के लिए जनता से वोट की अपील की। सीएम ने कहा कि जनता का सहयोग मिल रहा है और वो जीतेंगे। मैं देख रहा हूँ आज ये 37वां विधानसभा क्षेत्र है जहाँ मैं आचार संहिता लगने के बाद अपनी बात कहने के लिए लोगों के बीच और मुझे इस बात की खुशी है। बहुत जबरदस्त माहौल है, जोश है, जुनून है लोगों के बीच में और लोग चाहते हैं कि भाजपा की जीत। इस बार चार की चार सीटें हिमाचल की जो है वो चार सीटें जीते और उसके लिए अपना समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। और जो माहौल देख रहा हूँ, वातावरण में देख रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इस बात को कि बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी का देश में होगा ही और हिमाचल प्रदेश का योगदान उसमें 100% होगा और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश से अब की बार जीत का अंतर भी और ज्यादा बढ़ेगा। इसके बाद सीएम जयराम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी गांधी मुक्त हो जाएगी और राहुल गांधी से कांग्रेस का काम नहीं चला तो अब प्रियंका गांधी पर आखिरी दांव खेला है। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना है, ये प्रदेश की प्रदेश और देश की जनता आपका इलाज तो पक्का ही करेगी आपकी बात। और आपकी बात में कह रहा हूं, ये होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस द्वारा भारत द्वारा पूरा हमारा देश जो है कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है और दूसरी तरफ आप देखना इस चुनाव का परिणाम आने दीजिए, चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस जो है गांधी मुक्त हो जाएगी, गांधी परिवार से मुक्त, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते 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 अब वो प्रियंका गांधी तक पहुंच गए हैं और इसके आगे अब कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद कांग्रेस पर तंज कसते हुए जयराम ठाकुर ने जवाब दिया कि कुछ कांग्रेसी कहते हैं कि जयराम बेहद शरीफ आदमी है लेकिन अधिकारी उनसे डरते हैं, जबकि काम प्यार से किया जाता है, डराने से नहीं। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जयराम सीधा आदमी है, डरता नहीं है कोई आदमी उनसे, क्या मुख्यमंत्री सिर्फ डराने के लिए होता है? क्या इस देश में इस दुनिया में काम से डरा करके धमका करके किए जा सकते हैं? क्या इस देश में हमारा काम करने का तरीका सिर्फ यही होना चाहिए कि हम सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दूसरे को जो है दबा करके उसको कुचल करके काम के लिए बोले? नहीं, मेरा मानना है भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है और मैं इस बात को कह सकता हूं जो काम प्यार से किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है, प्यार से बोल करके किया जा सकता है, वो डंडे से नहीं किया जा सकता है, धमकी से नहीं किया जा सकता है। हिमाचल में चार सीटों पर कांटे की टक्कर है और अब 23 मई को नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि जनता किसे चुनती है। चंबा से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।